जीएसटी काउंसिल ने जो पांच बड़े फैसले हुए उसमें सबसे अहम फैसला आम लोगों से जुड़ा ये है कि रेलवे की तमाम सर्विसेज जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम की सर्विसेज, लॉकर रूम की सर्विसेज और बैटरी ऑपरेटेड जो कार्ड होती है उन सभी पर से जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गया है, लिहाजा ये तमाम सर्विसेज अब सस्ती हो जाएंगी। दूसरा बड़ा फैसला रेट्रो टैक्स को लेकर हुआ है। तमाम कंपनियों को जिनको जीएसटी के नोटिस 2017 से लेकर 2020 के बीच में भेजे गए हैं और जिन पर इंटरेस्ट और पेनल्टी बकाया है उसके लिए जीएसटी काउंसिल ने सीजीएसटी में एक नया सेक्शन इंसर्ट करने का फैसला किया है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों को इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव यानी माफ करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे खासतौर से अगर हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग इंश्योरेंस कंपनियां और तमाम कंपनियां जिनको नोटिसेस पहले गए हुए हैं उनको फायदा मिल सकता है। तीसरा बड़ा फैसला ई कॉमर्स कंपनियों के लिए हुआ है। ई कॉमर्स कंपनियों को अभी तक जो ईडीएस है वो 1% की दर से कटौती करानी पड़ती थी, अब उन्हें ये फैसला जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि उन्हें आधी परसेंट टीडीएस कटौती करानी पड़ेगी, तो ये ई कॉमर्स कंपनियों के लिए बड़ी राहत है। चौथा बड़ा फैसला आया है जो जीएसटी ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो कि अपने जीएसटीआर 3B के अमेंडमेंट के लिए काफ़ी परेशान थे, अब जो उन्होंने उनके लिए एक नया फॉर्म जीएसटीआर 1A इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके जरिए जो एक्चुअल उन्होंने डिक्लेरेशन जीएसटीआर 1A में दे रखा है उसके हिसाब से अपनी जीएसटीआर 3B को फाइनल रिटर्न को अमेंडमेंट कर पाएंगे। पाँचवा बड़ा फैसला हाईवे बनाने वाली कंपनियों के लिए आया है। हाईवे बनाने वाली कंपनियों को अब एकमुश्त प्रोजेक्ट कॉस्ट के आधार पर जीएसटी चुकाने के बजाय जैसे जैसे उन्हें पैसे की पेमेंट आएगी उसी हिसाब से जीएसटी चुकाने की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो ये बड़ा फैसला हैम कंपनियों के लिए आया है। इसके अलावा कई सारे चीज़ों पर जीएसटी के दौरान कटौती की गई है जिसमें खासतौर से अगर देखें तो एप्पल कार्टन या पेपर कार्टन तमाम जो बनते हैं उन पर 12% जीएसटी, जो मिल्क वाले स्टील कैन होते हैं उन पर भी 12% जीएसटी, और इसके अलावा जो दूसरे जो और भी आइटम हैं उन पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया गया है। ये कुल पांच बड़े फैसले आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं।